बरसात के दौरान लगाए जाने वाले फलों के पौधे बागवानी द्वारा वितरित किए जाएंगे। पौधे वितरण की प्रक्रिया विभाग शुरू करने जा रहा है। विभाग ने इस मर्तबा 1.20 लाख के लगभग पौधे वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विभिन्न विकास खंडों से विभाग को अलग अलग प्रजातियों के पौधों की डिमांड आई थी, जिस पर विभाग ने विभागीय व निजी नर्सरी से पौधों की व्यवस्था की है। विभाग की ओर से आम, संतरा, लीची, नींबू सहित अन्य फलों के पौधे जिनके पत्ते नहीं झड़ते, उन फलों के पौधे विभाग की ओर से वितरित किए जाएंगे। पौधों के वितरण को लेकर विभाग की ओर से पहले निशानदेही करवाई जाती है और गड्ढे करवाए जाते हैं, जिसका कार्य जोरों पर चला हुआ है। इसके अलावा इन दिनों आम की फसल के विपणन का कार्य चल रहा है, जिसके लिए विभाग ने 13 विपणन केंद्र जिला भर में स्थापित किए हैं तथा इस मर्तबा आम का प्रति किलो मूल्य 8.50 रुपए रखा है। बागवानी विभाग धर्मशाला के उपनिदेशक डॉक्टर दौलत राम वर्मा ने कहा कि बरसात में रोपित होने वाले फलों के पौधों के लिए पहले 80,000 की डिमांड आई थी, जिस पर 72,000 के लगभग पौधे ब्लॉकों में उपलब्ध करवा दिए गए हैं। जिस तरह से मांग आ रही है, उसके चलते इस बार विभाग 1.20 लाख पौधे वितरित करेगा। उद्यान विभाग में हमारे जिला कांगड़ा में पौध रोपण का कार्य कल से शुरू होने जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे जो बरसात में लगाए जाते हैं, उनकी आपूर्ति ब्लॉकों में की जाएगी। मांग के अनुसार ब्लॉकों से हमें जिस तरह से मांग आई थी, उसी हिसाब से हम इन लोगों को पौधे आपूर्ति करेंगे। और ये जो पौधे हैं हमारे, अपनी सरकारी नर्सरियों के अलावा प्राइवेट नर्सरियों से भी हम लिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमारी सरकारी नर्सरियों में जो पौधे तैयार हैं वो कई प्रकार के पौधे हैं, और जो हमारे कुछ वैरायटियां हैं वो वैरायटियां जो हमारे अपनी नर्सरी में नहीं है, उनको हम प्राइवेट या कहीं दूसरे जिले से मंगवाएंगे। दूसरी बात, हमारे 15 ब्लॉक हैं, 15 ब्लॉकों में जिस तरह से हमारे नरोटा बगवा हुआ, नरोटा सूर्या है और देरा ब्लॉक है, तो सबसे ज़्यादा जो पौधों की मांग है देरा ब्लॉक से है। तो देरा ब्लॉक में 12,000 के लगभग मांग है पौधों की। इसमें आम है, लीची है, आमला है, ओलिव है और पिकनट है, इस तरह से कागजी लाइम है और मौसमी, और इसके अलावा जो स्ट्रॉबेरी है, उन पौधों की भी हमारे मांग रहती है। और लोगों को हमने, हमारे जो विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, वो घर घर जाकर लेआउट आजकल दे रहे हैं। लेआउट का मतलब निशानदेही, पौधों का रोपण करने से पहले निशानदेही देना पड़ती है। निशानदेही देने के बाद पौधों का पता लगता है कि कौन सा बागवान कितने पौधे लगाएगा। इसके साथ साथ हमारा जो विभागीय विपणन, फल विपणन केंद्र भी खोल रखे हैं। पूरे जिले में हमने 13 फल विपणन केंद्र सरकार ने खोले हैं, जहां से लोगों की सुविधा के लिए हम आम के विपणन करते हैं। और आम का विपणन जो मूल्य है रखा हुआ, वो 8.5 रुपये है। इसके साथ साथ जो हमारी रूटीन के जो वर्क हैं, वो भी हम जारी रखेंगे। इस वर्ष जो हमारी मांग आई थी वो लगभग 80,000 के लगभग थी, जो 72,000 हमने प्लांट जो उनको मतलब मुहैया करा दिए हैं, जो जिनकी हमने डिमांड ली थी उन्हीं के हिसाब से अलॉटमेंट हमने कर दी है उन लोगों को। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम हम 1,20,000 पौधे इस सीजन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।